परिषद के भूबौल गांव में है और यहां कोसी नदी का जो तटबंध टूटा उसके बाद यहां के लोगों को आज तक उसकी त्रासदी झेलनी पड़ रही है। वो तो खौफनाक मंजर उस रात था जो यहां के लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं वो भी यहां के लोगों को ऐसा नहीं कि कम सता रहे हैं। यहां के स्थानीय लोगों का कुछ और भी दर्द है इस बाढ़ जैसी भीषण आपदा में, कुछ और लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों को भी एक दर्द दिया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही हम जान लेते हैं क्या सब होता है यहाँ पे। रात को घर में ताला लगा के लोग बांध पर है, उसका ताला तोड़ के सामान निकाल ले, घर जो बचा हुआ है ताला तोड़ के सामान लेके चला जाता है। छाती जब भी सुबह में आता है छाती पीट पीट के जाता है। मतलब ऐसा बाहर से लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, कौन आते हैं कोई देखने तो नहीं जाता, कौन रात को कैसे ऐसे हो जाता है गाँव में पता नहीं क्या कहें। कैसा आदमी का है, अभी तो ऐसे आफत में लोग है इसी तरह जान बचा के सड़क पे बांध पे लिए हुआ है, और जो कुछ भी घर में बचा हुआ है वो आता है कोई नाव से लेके, कुछ बचा तो कुछ है नहीं लेकिन जो सरा गला बचा है वो भी लेके चले जाता है, चाहे बर्तन हो या कुछ हो ऐसा सब कुछ उठा के लेके। अभी तक कितने घर में ऐसा हुआ होगा घटना? लगभग 20-25 घर में ऐसा हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कुछ कर सकते हैं? नेटवर्क नहीं काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इधर से भी पहल नहीं हुआ। मेरा मनीष चौधरी। अच्छा, इतनी बड़ी घटना आपके गांव में हो रही है, प्रशासन को आप लोगों ने क्यों जानकारी नहीं दिया? यहाँ पर मेन है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, समझ गया, अगर फोन कॉल लगता है तो बात हो नहीं पाती। मोबाइल चार्ज कहाँ होगा? मेन है लाइट है नहीं, जो भी है तो बांध से है, इधर तो है नहीं। अब रात में चार्ज किया, लोग अपना थोड़ा इधर उधर अपना रिलेशन में बात किया, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है, बात हो नहीं पाती। क्या नाम? मेरा नाम राजीव चौधरी। ये स्थानीय लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे जो इस गांव की स्थिति है आप समझ सकते हैं कि बाढ़ जाने के बाद अब यहाँ के लोगों को चोरी का भी डर सता रहा है। अब तक जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 20 से 25 घर ऐसे हैं जिस घरों में अभी तक चोरी हो चुकी है। रात के अंधेरे में नाव से कोई आते हैं और फिर गांव में घुस करके ताला तोड़ करके उसके घर से जो बचा खुचा सामान है उसको चुरा करके ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो कोसी का कहर यहाँ के लोग झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चोरी से भी अब यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को हालांकि यहाँ के लोग अभी तक जानकारी नहीं दी है, इन्फॉर्म नहीं किया है, तो इसमें कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रशासन को इस स्थान पे आकर के जो लोग यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं इनका हालचाल लेना चाहिए, तब जा करके उन्हें यहाँ की स्थिति खूब रूबरू हो पाएंगे और उसके बाद वो आगे की व्यवस्था भी कर पाएंगे। तत्काल जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं उससे यहाँ के लोग काफ़ी दहशत में है। सबसे पहले कोसी नदी के धार से दहशत था, अब चोरी की घटनाओं से यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। जनरेटर लगा करके मोबाइल चार्ज करते हैं और कुछ देर रोशनी भी होती है जिससे कि चोरी की घटना को रोका जा सके।